केमिस्ट्री क्लास 9 बाब 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबक 6 फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आऊं आया केमिस्ट्री जो उस्ताद नजुला चन्ना अवां के सिंधालैंड स्कूल में भलीकार अजो के लेक्चर जा मौजू आए ने इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस असीं इलेक्ट्रोलाइसिस जे लाइ पढ़ियो हुयोसीं त इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थींदा आहिनि जिन में बिजलीअ जी मदद सां कीमियाई अमल करायो वेंदो आहे ऐं जेॾी महिल जो बिजली या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड्स खे मिलंदो आहे त उन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जेको अंदरि हूंदो आहे उन में जेके आयन्स हूंदियूं आहिनि वाधूअ वारियूं आयन्स कैथोड ॾे हलियूं वेंदियूं ऐं काटूअ वारियूं आयन्स जेके आहिनि उहे एनोड ॾे हलियूं वेंदियूं ऐं ही जेके वाधू वारियूं आयन्स आहिनि उहे कैथोड ते वञी करे जमो थींदियूं या वरी जेकॾहिं गैस जी हालति वारियूं इहे आयन्स हूंदियूं त इहे हितां वरी लिबरेट थींदियूं इहे ॿाहिरि बुड़बुड़नि जी सूरत में निकिरंदियूं वेंदियूं ईअं ई वरी हेॾां थी सघे थो त नेगेटिव आयन जेकॾहिं सॉलिड कंहिं शइ जी आहे कंहिं अंसर जी आहे त उहा हिते जमो थींदी पर जेकर न इहा बि नेगेटिव आयन कंहिं गैस जी आहे त उहा हिते अची करे ऐं पंहिंजो इलेक्ट्रॉन विञाए हितां वरी गैस जी सूरत में ॿाहिरि बुड़बुड़नि जी सूरत में निकिरी वेंदी इन अमल खे असीं इलेक्ट्रोलाइसिस जो अमल छॾियऊं पिया ऐं इहो बैटरीअ जी मदद सां थींदो हुयो हाणे जेको असांजो फेराडेज़ जा कानून आहिनि उहे इन इलेक्ट्रोलाइसिस जे मुतालिक़ आहिनि फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडे वारो इलेक्ट्रोलाइसिस जो कानून माइकल फेराडे वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट हु ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माइकल फेराडे हिकिड़ो बरतानवी कीमियादान हुयो जंहिं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीअ जे मैदान में तमामु घणियूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं He observed the quantitative relationship between current and the amount of substance collected at electrodes. हिन electrodes ते जमा थींदड़ मादे ऐं बिजलीअ जे करंट जे विच में मिक़दारी तालुकनि जो गहराईअ सां मुशाहिदो कयो हिन इहो मुशाहिदो कयो त जेकॾहिं बैटरीअ मां असां करंट घटि था ॾियूं त हिन इलेक्ट्रोड ते या हिन इलेक्ट्रोड ते जमो थींदड़ शइ जो मिक़दारु केतिरो आहे जेकॾहिं हिन करंट खे वधाइजे त छा इहो मिक़दारु हिते जेको गॾु थिए थो उहो वधीक मिलंदो जेकॾहिं करंट घटि ॾिजे त छा हिते मिक़दारु घटि जमो थींदो इन जो हुन तमामु गहराईअ सां मुशाहिदो कयो ऐं इन मुतालिक़ हिन कानून ॾिना जिन खे फेराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो नालो ॾिनो वियो आहे यानि बर्क पाशीअ वारा फेराडे जा कानून फेराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडे वारो इलेक्ट्रोलाइसिस जो पहिरियों कानून फेराडे जा कुल ॿ कानून ॾिनल आहिनि इलेक्ट्रोलाइसिस मुतालिक़ ही हुन जो पहिरियों कानून आहे इहो कानून चवे थो त अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज़ डिपोज़िटेड आर लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट
फिर हाणे जो पहिरियों कानून इहो ॿुधाए थो त हिन इलेक्ट्रोड ते या हिन इलेक्ट्रोड ते कंहिं बि शइ जो जमा थियणु, कंहिं बि शइ जो हिते केतिरी शइ गॾु थिए थी या केतिरी शइ हितां ॿाहिरि ख़ारिज थिए थी, उन जे मिक़दार जो सिधो तालुक़ु बैटरी खां ईंदड़ करंट जे मिक़दार सां आहे। यानी जेकॾहिं करंट वधीक ॾिबो त हिते ऐं हिन इलेक्ट्रोड ते का बि शइ जेका डिपोज़िट थिए थी उहा ओतिरी वधीक डिपोज़िट थींदी जेतिरो करंट वधीक हूंदो। या वरी जेकॾहिं का शइ हितां लिबरेट थिए थी या हितां का शइ ॿाहिरि ख़ारिज थिए थी गैस जी सूरत में, त उनजो मिक़दार बैटरीअ जे करंट सां सिधी निस्बत रखे थो। जेकॾहिं बैटरी जो करंट घटि हूंदो त हितां हिननि इलेक्ट्रोड्स तां जेके गैसूं ॿाहिरि लिबरेट थींदियूं उन्हनि जो मिक़दार बि घटि हूंदो, पर जेकॾहिं करंट वधाइबो त हितां लिबरेट थींदड़ शयुनि जो मिक़दार पिणु वधीक थी वेंदो। फेराडे जे पहिरें कानून खे जेकॾहिं फार्मूला जी मदद सां कयूं त उहो थींदो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पियर्स इन टू टाइम। W याने वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोज़िटेड आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। हिते शइ जो मिक़दार केतिरो जमा थिए थो या हितां शइ जो मिक़दार केतिरो ख़ारिज थिए थो उनखे ज़ाहिर कयूं था W सां, वेट, ऐं उहो सिधी निस्बत रखे थो एम्पियर्स इन टू टाइम। एम्पियर करंट जो यूनिट आहे ऐं टाइम। मिसाल जे तौर ते हितां जेकॾहिं असां 5 एम्पियर करंट था ॾियूं 5 सेकंडनि जे लाइ या 10 एम्पियर जेको आहे करंट था थियूं 10 सेकंडनि जे लाइ, त इन्हनि ॿिन्ही मिसालनि में असांजो हिते जेको मिक़दार जमा थिए थो उहो 10 एम्पियर 10 सेकंडनि लाइ जेको मिले थो, उते इन करंट सां हिते मिक़दार वधीक जमा थींदो छो त करंट तव्हां वधीक था ॾियो। पर जेकॾहिं 5 एम्पियर था ॾियो 5 सेकंडनि लाइ त हिते मिक़दार ओतिरो घटि याने अधु क्वांटिटी में जमा थींदो छो त करंट बि असां अधु करे छॾियोसीं। सो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पियर्स इन टू टाइम। जेकॾहिं प्रोपोर्शनलिटी वारे साइन खे ख़तमु कयूं त इहो थी वेंदो हाणे कॉन्स्टेंट सां रिप्लेस त वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इक्वल टू Z इन टू टी इन टू टी। Z हिकिड़ो कॉन्स्टेंट आहे। Z खे असीं चऊं था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Electrochemical equivalent is the weight of the substance collected at the electrodes when one coulomb of electric charge is passed through the electrolyte. Z ya electrochemical equivalent chahe jadai ta kahe be electrolyte ma ek coulomb charge ke pass karayo ai jeko substance hite jama the to ya ta liberate the to una quantity ke chaibo ahe ECE yani electrochemical equivalent je ke asa Z za zahir kayun da। वन कोलम चार्ज ॾिजे ऐं हिते जेका शइ जेका बि शइ जी क्वांटिटी जमा थिए थी या लिबरेट थिए थी उन क्वांटिटीअ खे चइबो आहे Z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेकॾहिं असीं सिल्वर जो इक्विवेलेंट मास कढूं त सिल्वर जॾहिं आयोनिक फॉर्म में ईंदी आहे त उनजे मथां हिकु वाधू जी चार्ज हूंदी आहे, त उनखे जेकॾहिं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिली वञे थो त उहो तब्दील थी वेंदो हिकिड़े न्यूट्रल फॉर्म में ऐं जमा थींदो आहे हिकिड़े इलेक्ट्रोड ते। हाणे इलेक्ट्रोड ते जेकॾहिं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर खे मिले थो त केतिरो मिक़दार जमा थींदुसि, उनजो फार्मूलो आहे मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेके उनखे घुरिजनि था। हाणे 108/1 इनखे असां जॾहिं छॾाईंदासीं त 108 × 1 साॻियो जवाबु आयो 108 ग्राम, त इहो आहे इक्विवेलेंट मास सिल्वर जो या इनखे तव्हां Z चई सघो था।
वरी कापर आहे, कापर के जेकर आयोनिक फॉर्म में डिसों असा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो वो होंद कापर टू प्लस। हाँ उनके न्यूट्रल थियण के लिए यानी कें इलेक्ट्रोड से जमा थियण के लिए टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पवंदी है। हाँ इन जो जर इक्विवेलेंट मास कढ़ूँ तो मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो तक मिली वो 64 × 2 बराबर 32 ग्राम यो इक्विवेलेंट मास है कैंजो यो है कापर जो यानी इट्स जेड ऑफ कापर। ये वरी एल्यूमिनियम जो जर कढ़ूँ तो वो होंद 3+ आयोनिक फॉर्म में उनके खपन था 3 मोल इलेक्ट्रॉन जहाँ तो यानी एल्यूमिनियम जो मोलर मास 27 उनके वंड क्यों नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड से 3 आ 27 के 3 से वंड क्यों तो जवाब मिली वो 9 ग्राम यो इक्विवेलेंट मास कैंजो है एल्यूमिनियम जो। हाँ ही जेड आन जर अस मोल की गाल क्यों था सिल्वर के 1 मोल खपे न्यूट्रल थियण के लिए कापर के 2 मोल्स खपन था इलेक्ट्रॉन जहाँ एल्यूमिनियम के 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा खपन न्यूट्रल थियण के लिए तो सवाल यो है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पजेस हाउ मच चार्ज। जर अस चार्ज लहन चाहूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो उनको फार्मूलो है चार्ज इन कोलम्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हाँ एक इलेक्ट्रॉन के मथा जो चार्ज आ उनके जर्ब कंदी एवोगैड्रो नंबर से तो असेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज आ वह मिली वी। एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज है 1.602 जर्ब 10⁻¹⁹ एवोगैड्रो नंबर है 6.02 जर्ब 10⁻³³। इनके जैसे अस जर्ब कंदी तक छदाइंद तो तुम जवाब अची वो तकरीबन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मथा चार्ज होंगी है 96,485 कोलम्स। इनके जर अस राउंड अप क्यों राउंड ऑफ क्यों था तो वो थी वो 96,500 कोलम्स। हाँ यो 96,500 कोलम्स की चार्ज के 1 फेराडे जो नालो दिनल है 96,500 कोलम्स 1 फेराडे के बराबर आन 1 फेराडे के बराबर थी वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मथा जो चार्ज होंगी है वह होंगी है 1 फेराडे। सो सिल्वर के खपे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 फेराडे में सिल्वर जो जो इक्विवेलेंट मास जमा थी वो 108 ग्राम। ये वरी कापर के खपन था 2 मोल पर अस गाल क्यों 1 मोल में कापर जो मकदार जो जमा थी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज आ 96,500 जो जो चार्ज है वह दूँ अस कापर के तो उनका 32 ग्राम जमा थींदा यो उनको जेड है। ये ही वरी एल्यूमिनियम के न्यूट्रल थियण के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खपन था पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज आ यानी 1 फेराडे 96,500 जैसे एल्यूमिनियम के दूँ तो उनका 9 ग्राम असा हासिल था। सो असि चूं था तो जो जेड है वो ग्राम इक्विवेलेंट मास है जो 1 फेराडे की चार्ज दियण से हासिल है। असो जो लेक्चर पुजाणी से पहुंचे तो वरी हाजिर थी नए लेक्चर से गुड।